सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये कक्षा चार विज्ञान विषय का पाठ एक है। पाठ का नाम है पौधों के प्रकार। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? पौधों के प्रकार। ये कक्षा चार का पाठ एक है, पौधों के प्रकार। तो हमने अपने आसपास में बहुत से प्रकार के पौधों को देखा होगा। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ से हमें अनाज मिलता है, कुछ से हमें फल मिलते हैं, कुछ से हमें सब्जियां मिलती हैं। भांत भांत प्रकार के पौधे हमने अपने आसपास देखे हैं। कुछ फूलों के पौधे हम लोग अपने गमलों में लगाते हैं। आसपास खेतों में, क्यारियों में फल, अनाज या सब्जियों के पौधों को लगाते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे चारों प्रकार जो पौधे हैं, है ना, उन पौधों के प्रकारों के विषय में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पाठ एक है, पौधों के प्रकार। तो यहाँ पर अभी तक अगर देखा जाए तो पौधों की लगभग 380,000 प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। अभी तक अगर देखा जाए तो पौधों की लगभग 380,000 प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। प्रजातियों का मतलब समझ रहे हैं, मतलब इतने प्रकार के पौधे। जैसे हम प्रजाति में ले लें तो आम है, नीम है, बबूल है, ठीक है, कटहल, पीपल, बरगद, ठीक है। फिर उसके बाद अनाजों में ले तो जो है चावल है, धान है, है ना, तो और तुम्हारे गेहूं है, ठीक है। ये जो अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, जातियां हैं पौधों की, इस प्रकार की लगभग 380,000 प्रजातियों का पता अभी तक लगाया जा चुका है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि नई प्रजातियों की खोज होती रहती है, नई प्रजातियों के बारे में हमको जानकारी होती रहती है, और बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं कि जो पर्यावरण परिवर्तन के कारण या अन्य बदलाव के कारण जो है धीरे धीरे नष्ट भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो ज्ञात प्रजातियाँ हैं वो कितनी हैं, 380,000 के लगभग हैं। अब हम अगर अपनी भूमि पर देखें, पौधे कहाँ भाई होंगे? हवा में तो होंगे नहीं। पौधे कहाँ होंगे? या तो जल में होंगे या तो स्थल में होंगे, यानी वो पृथ्वी के धरातल पर ही रह सकते हैं, है ना, क्योंकि पौधों को एक आधार मिलना चाहिए। पौधों का की जो जड़ है उसको कोई ना कोई आधार चाहिए, है ना। तो जो भी पौधे हैं वो पृथ्वी के तल पर ही उग सकते हैं, और पृथ्वी का तल दो प्रकार से है, एक तो जल है और दूसरा स्थल है। आप अपने आसपास पृथ्वी के तल को दो प्रकार से देख सकते हैं, दो रूपों में देख सकते हैं। कुछ भाग जो हमारा जहाँ पर मिट्टी हमको दिखाई देती है, है ना, जहाँ पर मैदान है, घर हैं, खेत हैं, ठीक है, सड़कें हैं, तो ये सब हमारा स्थल भाग है, है ना। इसको क्या कहते हैं? ये हमारा स्थल भाग है। और इसके दूसरी ओर हम अपने चारों ओर जल को देख सकते हैं, जैसे कि कोई जलाशय हो, कोई नदी हो, कोई झील हो, तालाब हो, झरना हो, या फिर जो एक बहुत बड़ा पानी का जो एक भंडार है वो समुद्र हो, है ना। तो ये सब क्या है? हमारा जल भाग है। तो पृथ्वी पर दो प्रकार के भाग हैं, एक तो स्थल भाग और दूसरा जल भाग। तो इन्हीं दोनों भागों को लेकर के हम पौधों का अध्ययन करेंगे कि स्थल भाग पर उगने वाले पौधे कौन कौन से हैं और जल में उगने वाले पौधे कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले अगर हम स्थलीय भाग पर उगने वाले पौधों की बात करें, जो पौधे स्थल पर उगते हैं, जमीन पर उगते हैं, उनको हम लोग स्थलीय पौधे कहते हैं। जो पौधे जमीन पर उगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्थलीय पौधे कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? इन पौधों को हम तीन भागों में नहीं बल्कि चार भागों में बांट सकते हैं। इन पौधों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो पौधे जो मैदानी भागों में उगते हैं, दूसरे वो पौधे जो पर्वतीय भागों में उगते हैं, और तीसरे वो पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं, और चौथे वो पौधे जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। अब हम स्थल को चार प्रकार से बांट सकते हैं, चार कैटेगरी में बांट सकते हैं स्थल भाग को। सबसे पहले वो भाग जो समतल मैदान है, दूसरे वो भाग जो कुछ मैदानों से कुछ ऊंचे भाग हैं, जिनको हम लोग पर्वतों की संज्ञा देते हैं, है ना, पहाड़ या पर्वत कहते हैं, वो भाग है। तीसरे क्या है? वो भाग जहाँ पर बालू अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, वर्षा की कमी होती है, पानी की कमी होती है, और वहाँ पर बालू की मात्रा अधिक होती है मिट्टी में, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्रों को हम लोग मरुस्थलों के नाम से जानते हैं। ऐसे स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और चौथा, समुद्र के जो किनारे होते हैं,
वहाँ पर जो मैदान है, जो वहाँ की भूमि है, उसको हम लोग समुद्र तटीय क्षेत्र या समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। और पौधों को भी हम इन्हीं चार भागों में बांट करके उनका अध्ययन करेंगे। एक कौन से पौधे, जो मैदानी, जो समतल भाग में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान होते हैं, जैसे आप हमारा जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ये क्षेत्र हमारा मैदानी क्षेत्र कहलाता है। फिर हमारे आसपास के बहुत से पर्वतीय क्षेत्र हैं, है ना, जैसे हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, या ऐसे दक्षिण में जाएं तो विंध्याचल है ना, सतपुड़ा है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर राजस्थान में जाएं तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उगने वाले पौधे हैं, फिर मरुस्थल और फिर समुद्र तटीय मैदान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैदानी पौधों की। देखिए, जो मैदानी भागों में पौधे उगते हैं ये क्या है, काफ़ी हरे भरे होते हैं, इनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। और ये पूरे वर्ष भर, चूँकि यहाँ वर्षा अधिक होती है और ये हरे भरे बने रहते हैं, लेकिन ये जाड़े के दिनों में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, पतझड़ होता है इन पौधों में, है ना, ठीक है। और जैसे हम लोग के जो फल हैं, आम है और अन्य जो फल हैं, है ना, आम है, कटहल है, बरगद है, पीपल है, ये पेड़ जो हम लोग के हैं ये मैदानी क्षेत्रों के पौधे हैं, ठीक है। हम लोग क्या उगते हैं, अगर फसलों में ले लें, अनाजों में ले लें, तो गेहूँ, धान, आलू, मक्का, मटर, ये सब हम लोग के यहाँ की फसलों वाले पौधे हैं। फिर सब्जियों के पौधे हम लोग के यहाँ होते हैं ना, और फूलों के पौधे हम लोग लगाते हैं। तो ये सब पौधे कौन से हैं, जो गुलाब है ना, ये कौन सा है, गेंदा है, ये फूल हम लोग अपने आसपास लगाते हैं, चमेली, गुलदावरी, गुड़हल, जो भी लगाते हैं, कनेर, ये सब हमारे मैदानी पौधे कहलाते हैं। दूसरे क्या आते हैं, पर्वतीय पौधे। पर्वतीय पौधे हम लोग क्या नहीं पाए जाते, वो पर्वतों पर पाए जाते हैं, चाहे वो हिमालय का पर्वत हो, चाहे वो अरावली का पर्वत हो, चाहे वो सतपुड़ा हो, चाहे वो विंध्याचल हो, अन्य बहुत सारे पर्वत भारत में हैं या कहीं भी हों, उन पौधों, उन पर्वतों पर जो पौधे उगते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतीय पौधे कहते हैं। और इन पौधों की विशेषता ये होती है कि ये अपेक्षाकृत लंबे होते हैं और इनमें जो है ज़्यादा, इनका जो है ज़्यादा छायादार नहीं होते, बिल्कुल एक लंबे सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इनकी आकृति एक शंकु के आकार में होती है ना। जैसे हम लोग बर्थडे वाली कैप लगाते हैं, इस प्रकार से देखते हैं बर्थडे की कैप कैसी होती है, इस प्रकार से। तो इन पौधों का आकार भी कुछ ऐसा ही होता है, इस टाइप से ये पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कारण क्या है कि चूँकि जो ज़्यादा ऊंचे इलाके होते हैं, पर्वत वाले क्षेत्र, तो बर्फ़ गिरती है और वो बर्फ़ जब इन पौधों पर गिरती है तो आसानी से ज़मीन पर चली जाती है और इन पौधों को उससे नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये पर्वतीय पौधे होते हैं। फिर मरुस्थलीय पौधे, चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, हमने पहले ही बताया कि मरुस्थल वो क्षेत्र होते हैं जहाँ की मिट्टी में बालू की अधिकता होती है, तापमान अधिक रहता है पूरे वर्ष भर और वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, उनको मरुस्थल कहा जाता है। और यहाँ पर जो पौधे उगते हैं वो वही पौधे उगते हैं जो कम पानी में, अधिक तापमान में अपने आप को जीवित रख सकें। जैसे यहाँ पर नागफनी है, बेर है, बबूल है, ठीक है, और खजूर है, इस टाइप के पौधे यहाँ पर उगते हैं। और इन पौधों को हम लोग मरुस्थलीय पौधों के नाम से जानते हैं, है ना, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही उगते हैं और कम पानी में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अगले पौधे हैं समुद्र तटीय पौधे। समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उगने वाले पौधों को समुद्र तटीय पौधे कहा जाता है, और वो भी स्थलीय पौधे के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपने नारियल देखा होगा, है ना, नारियल, रबड़, आबनूश, है ना, चाय, ये सब पौधे जो हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगते हैं और ये पूरे वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं, ठीक है। और चूँकि समुद्र तट में होते हैं और वहाँ पर मैक्सिमम टाइम वर्षा होती है, तो यहाँ पर एक जैसा तापमान रहता है, ये कभी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते और पूरे वर्ष भर ये पौधे हरे भरे बने रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधों को हमने चार प्रकार से पढ़ा, चार प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ा, चूँकि स्थल भी चार प्रकार से वर्गीकृत है, मैदानों में, पर्वतों में, मरुस्थलों में और समुद्र तटीय क्षेत्रों में। तो हमने पौधों को भी इन्हीं चार कैटेगरी में पढ़ा, पहले पौधे पढ़े जो मैदानी पौधे जो समतल भूमि पर उगते हैं, फिर पर्वतीय पौधे जो पर्वतों पर उगते हैं, फिर मरुस्थलीय पौधे जो कम वर्षा वाले और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में उगते हैं, और फिर समुद्र तटीय पौधे जो समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में उगते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये पौधे हो गए हमारे स्थलीय पौधे, ठीक है, स्थल पर उगने वाले पौधे थे। अब हम बात करेंगे, चूँकि स्थल और जल, पृथ्वी पर दो ही प्रकार के तल हैं, पृथ्वी दो रूपों में, पृथ्वी का जो तल है दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो जल और दूसरा
स्थल, क्योंकि हवा में कोई पौधा हो नहीं सकता है ना, उस पौधे को आधार चाहिए। तो अब जो दूसरे पौधे हैं वो हैं जलीय पौधे। तो हमारे आसपास जल के बहुत सारे क्षेत्र आपने देखे होंगे, झीलें, झरने, नदियाँ, तालाब, समुद्र, ये सब जल के स्रोत हैं, जो पृथ्वी के जल भाग हैं। और यहाँ पर जो पौधे उगते हैं उनको जलीय पौधे कहा जाता है। तो इन पौधों को भी हम तीन कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे। पहला है स्थिर तैरने वाले पौधे, मतलब जो एक जगह पर स्थिर रह करके तैरते हैं, यानी पानी पर तैर करके वो अगली जगह नहीं जा सकते, पानी में जहाँ पर हैं वहीं पर स्थिर रह करके तैरेंगे। दूसरे हैं तैरने वाले पौधे, ये अपने स्थान को भी छोड़ सकते हैं, तैरते तैरते इस किनारे से उस किनारे तक जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के जो पौधे हैं वो जल निमग्न पौधे हैं, यानी पानी के ऊपर नहीं दिखते, वो पानी के अंदर डूबे रहते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और ये भी स्थिर पौधे होते हैं। तैरने वाले सिर्फ एक ही पौधे हैं, मतलब अपनी जगह को छोड़ करके तैरने वाले सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे हैं, जो अपनी जगह को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या होती है इन पौधों की, जो भी जलीय पौधे हैं, चाहे वो स्थिर तैरने वाले हों, चाहे वो तैरने वाले हों, या वो जल निमग्न पौधे हों, इनकी विशेषता ये है कि ये सभी के सभी पौधे जल में रहने के अनुकूल होते हैं। इनकी जो अनुकूलता होती है, इनकी जो विशेषता होती है, ये जल में जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता है। अब एक एक पौधे को हम पढ़ लेते हैं। पहले हम उन पौधों को पढ़ लेते हैं, स्थिर तैरने वाले पौधे। स्थिर तैरने वाले पौधे तैरते तो हैं, लेकिन एक जगह पर स्थिर रह करके तैरते हैं, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ सकते। यानी सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि भले ही वो पानी में तैरते हुए हमको दिखते हैं, लेकिन उनकी जो जड़ होती है वो मिट्टी में स्थायी होती है, उनकी जो जड़ है वो मिट्टी में स्थिर होती है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे आपने कमल का पौधा देखा होगा, तो कमल का पौधा जिस जगह पर उगेगा वहीं पर रहेगा पानी में, वो अपनी जगह को छोड़ के अगली जगह नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्थिर है, उसकी जो जड़ है वो नीचे कीचड़ में है, है ना। तो इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं, स्थिर तैरने वाले पौधे। तैरते हैं लेकिन एक जगह स्थिर रह करके, क्योंकि इनकी जो जड़ होती है वो मिट्टी में होती है, ठीक है। और इनकी पत्तियाँ, इनके फूल, यह पूरा पौधा आसानी से क्या है, पानी पर तैरते हुए आपको दिखते हैं। आपने तालाबों में या झीलों में कमल के फूल या नदियों में कमल के फूल आपने देखे होंगे, तो वो भी क्या है, एक जगह पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ पौधे ऐसे आते हैं जो पानी के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह को चले जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, तो वो तैरने वाले पौधे कहलाते हैं। ये कौन से थे, स्थिर तैरने वाले, तैरते थे लेकिन स्थिर रह करके। ये स्थिर रह करके नहीं, बिना स्थिर रह करके भी तैर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं तैर करके, यानी इनकी जड़ जो है वो नीचे मिट्टी में नहीं स्थिर होती है। तो इस प्रकार के पौधों में आपने एक बहुत अच्छा पौधा देखा होगा, सिंघाड़ा, जलकुंभी, है ना, सिंघाड़े तो आपने खाए होंगे, तो सिंघाड़ा भी तो पानी में होता है। तो जो सिंघाड़े का पौधा होता है वो तैरने वाला पौधा होता है, पानी की सतह पर ही तैरता है, उसकी जड़ भी पानी की सतह पर ही तैरती है, ठीक है। और वो तैर करके तालाब में एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकता है आसानी से, ठीक है। और जो तीसरे प्रकार के पौधे हैं वो जल निमग्न पौधे, जल निमग्न, जल में डूबे हुए पौधे, ठीक है, जल में निमग्न। जल निमग्न पौधे मतलब जल में निमग्न, जो जल की सतह पर नहीं दिखाई देते। ये दोनों प्रकार के पौधे, चाहे वो स्थिर तैरने वाले पौधे हों या तैरने वाले पौधे हों, दोनों प्रकार के पौधे आपको जल की सतह के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन जो जल निमग्न पौधे होते हैं जल की सतह के ऊपर दिखाई नहीं देते, ये जल के तल पर स्थिर होते हैं, यानी कि जो जल के नीचे जो कीचड़ होता है, जो मिट्टी होती है, वहाँ पर ये स्थायी होते हैं। और इस प्रकार के पौधों में जैसे टेप ग्रास है, हाइड्रिला है, ये सब पौधे हैं। हाइड्रिला का पौधा नाम याद रखिए, कौन सा पौधा, हाइड्रिला या फिर टेप ग्रास। ये जो पौधे हैं ये जल में उसकी सतह पर उगते हैं, मिट्टी पर उगते हैं, और ये पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबे रह करके भी आराम से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, यानी ये पौधे भी वहाँ पर जीवित रहते हैं, ठीक है। और इसमें कई प्रकार के शैवाल भी होते हैं, वो भी पानी के तल में उगते हैं नीचे पर, और वो वहाँ से अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ये हमने कौन से पौधे पढ़े, जलीय पौधे, तीन प्रकार से, एक स्थिर तैरने वाले, तैरते हैं लेकिन एक जगह स्थिर रह करके, दूसरे हमने पढ़े तैरने वाले, यानी तैर करके एक जगह दूसरी जगह तक भी जा सकने वाले, और तीसरे हमने पढ़े जल निमग्न पौधे, ये स्थिर होते हैं लेकिन जल के अंदर डूबे हुए रह करके। तो हमने बताया था कि दो ही प्रकार का भाग है पृथ्वी पर, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग, इन दोनों को हमने पढ़ लिया। स्थलीय भागों में हमने चार प्रकार के पौधों को पढ़ा, मैदानी पौधे जो मैदानी क्षेत्रों में उगते हैं, पर्वतीय पौधे
जो पर्वतों पर उगते हैं, मरुस्थली पौधे जो कम वर्षा वाले, अधिक तापमान वाले, बालू वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, और अगले जो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं, जैसे कि नारियल है ना, इस प्रकार के पौधे, इनको हमने समुद्र तटीय पौधे कहा। जल में उगने वाले पौधों को हमने तीन भागों में बांट करके पढ़ा, तीन भागों में बांट करके। पहला, स्थिर तैरने वाले पौधे, तैरते हैं लेकिन स्थिर रह करके। दूसरे, तैरने वाले पौधे जो एक जगह से दूसरी जगह भी तैर करके जा सकते हैं। और तीसरे हमने पढ़े जल निमग्न पौधे, यानी जल में पूरी तरीके से डूबे रहने वाले पौधे। अब कुछ विशेष प्रकार के अन्य पौधे हैं जो कि होते तो स्थलीय पौधे हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष विशेषताएँ हैं, इसलिए इनको हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। इनमें कुछ विशेष विशेषताएँ होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पहला जो लिया है तो स्थलीय पौधा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, परजीवी पौधे की बात की गई है। किस प्रकार के पौधे की बात की गई है, परजीवी पौधा। पर माने दूसरे, पर जीवी माने जीवित रहने वाला, जो दूसरे के सहारे जीवित रहता है उसको हम परजीवी पौधा कहते हैं। कई पौधों को आपने देखा होगा जिनके जड़ नहीं होती, जड़ होती नहीं मिट्टी में, वो दूसरे पौधों पर फैल करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमरबेल का पौधा, किसका पौधा, अमरबेल। तो ये क्या है, ये एक परजीवी पौधा है, क्योंकि दूसरे पौधे पर रह करके अपना जीवन यापन करता है, दूसरे पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। और दूसरा हमने इसी में लिखा हुआ है कीट भच्छी पौधा, शायद आप पहली बार सुन रहे हो। बहुत सारे पौधे भी ऐसे हैं, या बहुत नहीं तो हम कुछ पौधे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़ों को खा लेते हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि कीड़े को खा लेंगे पौधे, कैसे खाएंगे भाई, पौधों के मुँह नहीं होता, कैसे खा लेंगे पौधे। तो मैं बताता हूँ कि पौधे कीड़ों को कैसे खा लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो छोटे छोटे कीड़ों को खा लेते हैं, जैसे मक्खी है, भौंरा है, तितली है, खास करके ऐसे कीट जो पौधों के फूलों पर सुगंध के लिए जाया करते हैं, पौधों पर सुगंध लेने के लिए, या वहाँ से उनका रस चूसने के लिए, जैसे मधुमक्खी है ना, इस प्रकार के जो पौधे हैं, तितलियाँ हैं, भौंरे हैं, ये पौधे के फूल पर जाते हैं ये सब कीट, और ये जो कीट बच्ची पौधे होते हैं इन्हीं प्रकार के कीटों को खा लेते हैं। कैसे खाते हैं आप समझिए, तो इसमें जो पौधा होता है उसकी पत्ती एक कलश नुमा बन जाती है। कैसी बन जाती है, ये आप देख रहे हैं, ये पौधे की पत्ती है, ये पौधे की क्या देख रहे हैं आप, पत्ती है पौधे की, कलश नुमा हो जाती है, और इस पर एक इस प्रकार से ढक्कन लगा होता है, वो भी पत्ती का दूसरा सिरा होता है, पत्ती का एक सिरा ढक्कन बनाता है, और यहाँ पर इसमें फूल जैसा होता है और खूब सुगंध होती है, और कोई भी जो कीट आता है उड़ता हुआ वो यहाँ से और क्या है अंदर यहाँ पर सुगंध के लिए आ जाता है, सुगंध लेने के लिए, इस प्रकार से पौधे की पत्ती लगी होती है। और सुगंध लेने के लिए जब यहाँ आता है, जैसे ही यहाँ पर आता है तो पौधों में क्या होती है, संवेदनशीलता होती है, पौधे में क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। आप पौधों को अगर स्पर्श करोगे तो वो जान जाते हैं कि किसी ने हमको स्पर्श किया है। आपने एक पौधा देखा होगा जिसको छुई मुई का पौधा कहते हैं, एक पौधा देखा होगा जिसको हम लोग छुई मुई का पौधा कहते हैं, उस पौधे को स्पर्श करो तो उसकी सारी पत्तियां बंद हो जाती हैं। देखा आपने, नहीं देखा, छुई मुई का पौधा कहते हैं, उस पत्ती को जैसे स्पर्श करो उस पौधे की सारी पत्तियां क्या है, अपने आप बंद हो जाती हैं, यानी उसमें क्या है, संवेदनशीलता होती है। शाम होते होते सभी फूल क्या है, बंद होने लगते हैं, पौधों की पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, और वही जब सुबह होती है, सूर्य निकलता है, सारे फूल अपने आप खिल जाते हैं, यानी पौधों में भी क्या है, संवेदनशीलता होती है, वो अपने स्पर्श को जान पाते हैं, मौसम को पहचानते हैं बाहर के। ऐसा ही कुछ इस पत्ती में भी होता है, जब ये कीट यहाँ पर जाता है, ये इस फूल से टकराता है, इसमें हलचल होती है, तो ये क्या है, ये ढक्कन बंद हो जाता है, ये ढक्कन ऊपर से क्या हो जाता है, इस प्रकार से बंद हो जाता है, और ये कीट बाहर नहीं जा पाता। इस कीट को इस पुष्प के द्वारा यहीं पर पचा लिया जाता है, इसकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है, और ये जो आप चूसक देख रहे हैं, छोटे छोटे रोम देख रहे हैं, इनके माध्यम से उस कीट के जो पोषक तत्व होते हैं उनको पौधे के द्वारा चूस लिया जाता है, और उसके बाद ये ढक्कन अपने आप, जब कीट मर जाता है तो ये ढक्कन अपने आप खुल जाता है। इस प्रकार के पौधों को क्या कहा जाता है, कीट भच्छी पौधे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पाठ को, यानी पाठ एक है आपका जो पौधों के प्रकार, इस पाठ को 2 से 3 बार आप लोग पढ़ेंगे, और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, किताब से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, किताब से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, इस प्रकार से जब ये क्रम
आप लोग एक से दो बार, दो से तीन बार दोहराएंगे तो ये पाठ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपको इसके प्रश्नोत्तर रिक्त स्थान याद नहीं करने पड़ेंगे, आप केवल पढ़ करके उनका उत्तर दे पाएंगे। हालांकि अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर आप लोगों को हल कराएंगे। तो इस पाठ में अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।